देखो सरकार ने यह भी देखना चाहिए कि रेगूलर के बराबर जो अं काम कर रहे हैं तो स उन्होंने उन्होंने सानू चार गुणा तनखा क्यों घट दी जाती है। सानू भी असं भी घर जाने सानू अपने बच्चों को जाने तो डर लगता सर तो जिहड़ियां सानू सरकार टर्मीनेट दी धमकियां दे रहे हैं असं हुण इह धमकियां तो नहीं डरते। यह जिहियां हुण तो धमकियां नालों तो चंगा कि असं रिजाइन दे दीए अपनी जान की परवाह किते बिना मौत दे मूँह विच काम कर रहे हैं। एक तरह का धक्का हो रहा जी ये साडे नाल। देश दे विच करोना की दूसरी लहर चल रही है जिस दे विच फ्रंट लाइन ते काम कर रहे हैं जिहड़े सेहत कर्मचारी ने फ्रंट लाइन ते रह के काम कर रहे हैं। पर अज जिहड़े सेहत कर्मचारी ने फ्रंट लाइन ते काम करने वाले ने करोना महामारी दे विच अज उह अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुसीं देख सकते हो तस्वीर हैगियां जिहड़ियां फतेहगढ़ साहिब दे सिविल हस्पताल दीआं ने जिथे तुसीं देख सकते हो कि वड्डी गिणती दे विच जिहड़े हैल्थ वर्कर ने उहनां दे वल्लों पंजाब सरकार दे खिलाफ जिहड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह के तुसीं देख रहे हो कि उन्हां दा ही है कि असीं ठेके ते जिहड़ा काम नहीं करना उन्हां नूं पक्का किया जाए। साडे नाल इत्थे जिले दे हैल्थ वर्करां दे जिला प्रधान ने साडे नाल मौजूद ने असीं उन्हां नाल गल्लबात करांगे कि की कारण अज जिहड़ा उन्हां नूं इस करोना महामारी के दौरान भी जिहड़ा तुहानूं अज धरना देना पै रिहा। मैं हरपाल सिंह सोढी जिला फतेहगढ़ साहब जिला प्रधान NRHM यूनियन जिहड़ा साडा इह रोस है जिहड़ी मुलाजमान की इको ही मंग है सरकार अगे रैगूलर करो बस रैगूलर करो होर कुछ नहीं जा रैगूलर कर्मचारियों के बराबर तनखा दियो। पर सरकार हर बार जो भी हड़ताल करती है कदे 12% कदे 9% यह जी चीज़ा दे के तोर दें दी है पर जिहड़ी मेन मंग है वह पूरी नहीं करती। जबकि हरियाणा सरकार ने 3 साल पहला नैशनल हैल्थ मिशन के जिहड़े कर्मचारी है उन्होंने रैगूलर कर्मचारी के बराबर तनखा दी हुई है भत्ते दिए हुए हैं जबकि पंजाब सरकार उन्हें फॉलो नहीं करती और रूल में फॉलो नहीं करती जबकि उन्होंने 3 साल पहला तो लागू करता और सरकार इतने कहें असी कर नहीं सकते साढ़े को फंड नहीं। पर हुण मुलाजम डट गए ने वो अपनी मंग पगाउण दे लई पूरे डट गए ने। ये मुलाजमान ने अज एक धार लिया चाहे सरकार कोई भी धारा ला के जेल च भेज दे परचा दर्ज कर दे नौकरी तो कढ़ दे। ये साडे अज फतेहगढ़ 200 के करीब मुलाजम है अज इकट्ठा होया ये सोच के भी असी रैगूलर होना है। इस तो उपर जिहड़ी सरकार सज़ा लाऊगी सानू हस के मंजूर है। की जिहड़ियां तुहानू मुश्किलों का सामना करना पै रहा है? सानू मुश्किलों का सामना करना पै रहा तनखा मुलाजम की घट है ड्यूटी दिन रात ली जाती है गस्टड छुट्टियां ऐतवार सारे ले जाते हैं पर तनखा नाम मात्र ली जाती है। तो होर जिहड़ा हुण अगला स्टैप असी सरकार दी हस के वेट करांगे भी कदों टर्मीनेशन लैटर भेजदी है। अज सारे मुलाजम एका करी बैठे ने थोड़ा नहीं लगता करोना महामारी चलते तो तुम भी उस अपना जो योगदान लोगों की सहायता करके पाओ? सानू 1.5 साल हो गया योगदान पाते इस सरकार नू भी पता भी ये कर्मचारियों ने दिन रात सेवा की है योगदान असी लोगों लिए भी पाया खुद भी साढ़े 500 के करीब मुलाजम है जो करोना पॉजिटिव होया जब साडा ध्यान ही नहीं है सरकार का साढ़े वल तो असी पर सरकार होर बंदा भर्ती कर ले सानू ज़्यादा साडा ध्यान साढ़े वाल ध्यान दे असी करन नू तैयार असी कड़ा भज दे अपने कामों तो सरकार साड़ी मंग नू पूरा करे भी ये नहीं हैगा कि एक बंदा चार गुणा तनखा लै रहा तो ठेका कर्मचारी है जिहड़ा चौथा हिस्सा लै रहा। कि थोड़ी कोई पंजाब सरकार दे नाल मीटिंग हुई होवे? मीटिंग हुई सी साडी 5 मई नू मानयोग सेहत मंत्री नाल 9% देता जिहदियां पूरे पंजाब च नोटिफिकेशन दीआं कापियां साड़ियां ये मुलाजमान नाल धक्का होया ये छोटे कैडर नू इहदा कोई फायदा नहीं होया ये मंग मंजूर नहीं सिर्फ इक्को मंग है रैगूलर करो। जिस तरह जिहड़े हैल्थ वर्कर दे जिला प्रधान ने उन्हां दा कहना है कि उन्हां दी इक्को ही मंग है कि जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्हां नू पक्का किया जाए। साडे नाल होर भी इत्थे जिहड़े वर्कर ने मौजूद ने असीं उन्हां नाल गल्लबात करदे हां। मैम की जिहड़ियां परेशानियां तुहानूं काम दे दौरान सामना करना? देखो काम दे दौरान असीं ना कोई सानू संडे दी छुट्टी ना कोई गस्टड होलीडे डेली देखो सानू काम ते बुलाया जा रहा है। देखो असीं देखो जॉब करदे आ देखो काम तां असीं करना पर इह देखो सरकार नूं इह भी देखना चाहिए कि रैगूलर के बराबर जो असीं काम कर रहे हैं तो उन्हां नालों सानू चार गुणा तनखा क्यों घट दित्ती जाती है। जो काम उन्हां दे बराबर किया जाता तो सानू तनखा भी बराबर देनी चाहिए है। देखो साडी फैमिली ड्यूटी देखो फैमिली साडी पॉजिटिव आ रही है देखो किसी का बच्चा छोटा सानू भी असीं भी घर जाने सानू अपने बच्चों को जाने तो डर लगता सरकार नूं इह चीज़ां सोच के ही फैसला लेना चाहिए। तो जिहड़ियां सानू सरकार टर्मीनेट दीआं धमकियां दे रहे हैं असीं हुण धमकियां तो नहीं डरते यह जिहियां हुण तो धमकियां नालों तो चंगा कि असी रिजाइन दे दीए सानू घरे बैठना चंगा। पिछले 1 साल तो होकर नाइट ड्यूटियां भी देखो असी कर रहे रात को 10 बजे भी 11 बजे भी कॉल आती है तो पॉजिटिव आता तो उन्होंने क्वारंटाइन भी किया जाता है तो उन्होंने अगे जिमें रैफर किया जाता से सारा साढ़े वालों अगे फ्रंट लाइन पर होकर काम किया सारे CHO स्टाफ नर्सा ANMs तो सारे जिन्ना भी स्टाफ NRHM का सारा बढ़ चढ़ के देखो उन्होंने फ्रंट लाइन पर होकर काम किया। सरकार को साड़ी ये मंग मननी चाहिए साड़ी सिर्फ इक्को मंग है कि सानू रैगूलर किया जाए।
जिस तरह के हम करोना की बीमारी जी चल रही है थोनों लगता भी थोनों लोगों की सेवा आना चाहिए अगे लोगों एक साल तो देखो असं सेवा लोगों की सेवा लिए बैठे हाँ असं पर सरकार भी साढ़े बारे सोचना चाहिए रब ना करे कल सू इदा असं हूँ जिमें लोगों की सेवा बैठे हाँ असं इंजैक्शन लगाने देखो है ना अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुँह में कम कर रहे हैं कल सू कुछ हो गया तो साड़ी फैमिली का बाली बार सुना है उस विचार सू गलों का सरकार तो जवाब चाहिए जी देखो स मान लो कोई सू पॉजिटिव आंदा कोई सू सरकार वालों सहूलत नहीं असी अपने फैमिली मैंबर का इलाज नहीं देखो करवा सकते कोई अपने पैसों तो असं अपना इलाज करा रहे फैमिली मैंबर का अपना भी असं अपना अपने पैसों ना इलाज करवा रहे देखो 10-15 हज़ार बंदा की कर सकता है सरकार को सोचना चाहिए एक पास का रेगूलर बंदा कि 60-70 हज़ार तनखा उ असं 15-20 लै रहे हैं कि ना इंसाफी हो रही है साढ़े एक तरह का धक्का हो रहा जी ये साढ़े ना कि टाइम हो गया थोड़ा कच्चे मुलाजम के तौर पर काम कर 12 साल हो गए हैं जी कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करते पिछले एक साल तो असी ना तो दिन की परवाह की ना रात की रात को 12-12 बजे तक भी असी कोविड पेशेंट ज्ञान सागर जो इतों साडा जो ज्ञान सागर बनिया सीगा हॉस्पिटल असी उत्थे रैफर करते रहे हैं असी किसी चीज़ की परवाह नहीं की बट हुण कोविड इस स्टेज के आ गया कि साड़ी फैमिलीज़ नूं इफेक्ट करन लग गया साढ़े बहुत सारा स्टाफ इदा फतेहगढ़ साहब का जिन्हां दे फैमिली मैंबरस की डैथ सिर्फ करोना करके हो गई है जो इनफेक्शन साढ़े तो चली गई जो कितों भी चली गई क्योंकि असी तो इनफेक्टेड पेशेंट्स नाल ही डील कर रहे हैं और ईवन पूरे पंजाब साढ़े बहुत ज़्यादा मुलाजम जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उन्हां दी डैथ हो गई है करोना करके एक साढ़े RBSK दे हैगे सी फार्मासिस्ट उन्हां दी पूरी फैमिली की डैथ करोना करके हुई इनकलूडिंग उन्हां दे उन्हां दी डैथ भी करोना करके हुई है हुण असी इस चीज़ तो बहुत परेशान हो चुके हैं और असी चाहते हैं कि सरकार असी एक साल का टाइम सरकार नूं देता असी एक साल फ्रंट लाइन ते डट के काम किया असी चाहते हैं हुण सरकार सानू साडा हक दवे एक साल हो गया एटलीस्ट सानू ये होवे जी असी कल मरना है तो साडा परिवार सिक्योर होवे उन्हां नूं कोई सिक्योरिटी तो मिले घट्टो घट कहिंदे आ ना कैप्टन साहब कही जांदे आ फौजी जंग ते लड़दे हुंदे आ मैदान छड्ड के नहीं भजदे असी नहीं छड्ड रहे हां पर असी ये कह रहे हैं कि जिहड़ी फौज तुसी ठेके ते रखी आ उहनूं रैगूलर करो एटलीस्ट उन्होंने उन्होंने बनती तनखा उन्होंने बनता हक दो असी बस यही चाहते हैं कि सानू हुण रेगूलर किया जाए एक साल असी सरकार नू ठेके ते पूरा काम करके देता और असी फ्यूचर च भी करन नू तैयार है सर सरकार अज सानू रेगूलर का नोटिफिकेशन दे दे असी अज स्ट्राइक छड के अपना काम उस तन मन देही नाल और पंजाब सरकार तो कह रही है भी होर भी हेल्थ वर्कर असी रखने ने रख लैन असी तो कहें नहीं है ना रखन जरूर रखन जिथे उन्होंने रखना उन्होंने भी रखन पर पहला सानू तो जेड़े इन्ने साल तो उन्होंने सर्विस दे रहे हैं ठेके दे एटलीस्ट उन्होंने तो रेगूलर कर दे सानू कुछ नहीं मिलता सरकार को सप्लाई बहुत घट है सानू तो जो असी जिमें हुण बैठे हैं इस मास्क के बीच ही असी सीधे पेशेंट नू डायरेक्ट जाने पेशेंट कोई सरकार वालों थोनू किट बहुत घट आंदियां ने सिर्फ उही जिहड़ा सैंपलिंग स्टाफ है उन्हों ही सैंपलिंग टाइम किट मिलती है जो असी कोविड पेशेंट के घर जाना उन्होंने फतेह किट प्रोवाइड करनी है जो उन्होंने काउंसलिंग करनी है कुछ भी करना है तो असी विदाउट किट्स कर रहे हैं सानू कोई किट्स नहीं मिलती की मांग कर दूं हुण सरकार सिर्फ एको एक मांग है पक्के करो जे टर्मीनेट करना है तो कर दो असी 9 दे 9 हज़ार इस्तीफे देने नूं तैयार है असी 9 दा 9 हज़ार मुलाजम नौकरी छड्डन नूं तैयार है टर्मीनेट करना है तो टर्मीनेट कर दो पक्के करना है तो पक्के करो जिस तरह तुसीं सुणिया कि जिहड़े इत्थे वर्कर धरना दे रहे हैं उन्हां दा कहना है कि उन्हां दा एको ही मंग है कि उन्हां नूं पक्का किया जाए जेकर गल सेहत सहूलतों की की जाए तो उन्हां कोल जिहड़ियां किट्टां भी प्रोवाइड नहीं हो रही जिस दे कारण उन्हां दे परिवारक मैंबर ते ओह खुद भी जिहड़ा करोना दे पेशेंट पॉजिटिव होंदे जा रहे हैं सरकार नूं भी इस करोना महामारी दे दौरान हैल्थ वर्करां दे वल ध्यान जरूर देना चाहिए ते इन्हां नूं जो भी करोना वायरस दे दौरान किट्टां ने ओह मुहैया करवाईयां जाण ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ